हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन विद परमानेंट कलर कैसे करते हैं। तो सबकी हमेशा की हमेशा एक ही डिमांड रहती है कि मैम प्लीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी सजा कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक टू पूरा की पूरा परमानेंट कलर तक के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, पूरे नेल एक्सटेंशन में आपको क्या किट में चाहिए होता है, तो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए। होने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा एसीटोन फ्री विद लेंट। तो ये हम हमेशा फ्रेश लेंट यूज़ करते हैं एवरी क्लाइंट के ऊपर, ज़्यादा अच्छा रहता है, हाइजीनिक रहता है। और ये हमारा जो एसीटोन फ्री है ये मेडिकेटेड एसीटोन फ्री है ताकि आपकी स्किन में कोई एलर्जी या कोई आपके नेल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद जो है हमारा नेल कटर वो तो सबके पास होता ही है। इसके बाद क्यूटिकल पुशर जो है, क्यूटिकल पुश के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट इसके बाद प्रोडक्ट यूज़ होता है एमरी बोर्ड, इसको हम बोलते हैं एमरी बोर्ड। तो एमरी बोर्ड आप ले सकते हैं। इसके बाद ब्लोबोफर, ये ब्लोबोफर अगर आप लेंगे तो आप एक साइड से ऑरेंज वाला अगर आप लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप इधर की साइड से वर्क करते हैं इसमें तो क्यूटिकल एरिया के कटने का डर रहता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है हमारे क्लाइंट की। तो मेक श्योर कि आप ये ऑरेंज वाले ब्लोबोफर लें जो कि एक तरफ से बिल्कुल प्लेन ऑरेंज हो। इसके अलावा फिर हमारा पूफी ब्रश एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जब इसके बाद हमारा यूज़ होता है टिप का वर्क, तो ये टिप की तीन चीज़ें जरूर यूज़ होती हैं। हमारी टिप होती हैं, जैसे कि हमारी टिप्स होती है 10 साइजेस की टिप होती हैं हमारी यूज़। और ये जो नेचुरल टिप्स होती हैं गाइस, ये नेचुरल टिप्स जो हैं हमारी एक्रेलिक में भी यूज़ हो जाती हैं और जेल में भी। तो आप देख सकते हैं, आप अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर इनमें नंबर लिखा होता है, तो हमारे पास 10 साइजेस होते हैं इसमें। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 नंबर मेंशन है, तो 0 से लेके 9 नंबर तक की हमारे पास टिप के साइजेस होते हैं, जो कि नेचुरल नेल के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा जो यूज़ होती है हमारी ग्लू यूज़ होती है, ये ग्लू है पॉलीफिक्स की, अभी तक की मुझे सबसे बेस्ट नेल ग्लू लगी है। और इसके बाद टिप को कट करने के लिए, इन टिप्स को कट करने के लिए हम लोग इस तरीके के नेल कटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इस तरीके के टिप क्लिपर का यूज़ होता है ताकि आपकी टिप में क्रैक्स ना आए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट अगेन यूज़ होता है वो होता है हमारा लिक्विड डिहाइड्रेटर, जो कि सबसे बेस्ट लिक्विड डिहाइड्रेटर रहता है आपके नेचुरल नेल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद जैसे कि अगर आपने करना है एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, तो एक्रेलिक के लिए जो आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा आपका एक्रेलिक पाउडर क्रिस्टल क्लियर। अगर हम इसे टच करके देखते हैं गाइस, तो ये एकदम ऐसे स्मूथ होता है, एकदम इतना ज़्यादा चिकनाहट है इसमें, इतनी स्मूथ है, बहुत ईजिली फिसलता है। और ये क्रिस्टल क्लियर हमारा पाउडर है और ये हमारा मोनोमर है, जैसे कि सॉफ्ट मोनोमर हम यूज़ करते हैं एक्रेलिक के लिए। और इसके अलावा हमारा ब्रश, तो ये ब्रश जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ 10 नंबर का ब्रश। तो अगर आप एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए ब्रश बाय करने की सोच रहे हैं तो आप 10 नंबर का ब्रश बाय करें, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना तो मोटा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होता है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है अगेन हमारा जो है कलर्स। तो जैसे कि मुझे कलर्स जो है अभी तक के सबसे बेस्ट लगते हैं बॉन्ड प्रिटी के, तो ये हम बॉन्ड प्रिटी का बेस कोट एंड टॉप कोट, जैसे आप देख सकते हैं सुपर टॉप कोट है, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं आज, ठीक है, इसमें और कलर यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद लास्ट का जो स्टेप होता है हमारा क्यूटिकल ऑयल का, तो ये जब हम सारा वर्क करते हैं तो और हमारे क्यूटिकल एरिया बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये क्यूटिकल ऑयल यूज़ करते हैं। सो गाइज, ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हेल्दी नेल हैं, ब्रॉड और काफ़ी बिग नेल बेड है। तो हम सबसे पहले जो है पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे, और जो फ्री एज एरिया का एरिया है इसे हम नेल कटर की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो है एवरी नेल के हम स्माइल लाइन को एमरी बोर्ड से नीट करेंगे। सो गाइज, हमारे नेचुरल नेल का एमरी बोर्ड से फ्री एज एरिया को नीट करने के बाद का जो स्टेप होता है वो है एसीटोन फ्री से सभी के सभी नेल्स को क्लीन करना, चाहे नेल पॉलिश लगी है चाहे नहीं लगी। और अब हम जो है पूरे के पूरे नेल को अच्छे से इस तरीके से ब्लोबफर की हेल्प से ब्लोबफ करेंगे ताकि हम अपनी टिप को अप्लाई कर सकें। तो पूरे के पूरे नेल को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई शाइन इसमें रहनी चाहिए, ताकि हमारी जो टिप है वो नेचुरल नेल के ऊपर अच्छे से चिपक सके। तो ऑलरेडी हमने टिप के जो साइजेस हैं वो निकाल कर रखे हुए थे, अब हम इस लॉकिंग एरिया के ऊपर जो है ग्लू को अप्लाई करेंगे। और ग्लू को अप्लाई करने के बाद जो है इसे हम नेचुरल नेल के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो स्टिक करने के लिए गाइस बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप पूरे के पूरे नेल के ऊपर जब ग्लू लगाएं
तो इतनी ग्लू लगाएं कि बहुत ज़्यादा फिसल कर वो आपकी स्किन के ऊपर भी ना चिपक जाए, और बहुत ज़्यादा ग्लू इतना भी ना हो कि क्लाइंट की स्किन के ऊपर भी फॉल करें। तो मेक श्योर बहुत कम ग्लू लगानी है, कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से होल्ड करके रखना है। और अब जो है हम लेंथ को कट करेंगे हमारे टिप क्लिपर की हेल्प से। तो जितनी भी हमें लेंथ चाहिए, शेप चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ी सी टारगेट लेंथ एक्स्ट्रा ही रखेंगे ताकि हमें एक प्रॉपर लेंथ जो है मिल सके, प्रॉपर शेप मिल सके। अदरवाइज क्लाइंट की नेल्स की जो टारगेट लेंथ होने चाहिए, अगर लेंथ कम हो जाती है तो आपको क्लाइंट को दोबारा से टिप अप्लाई करके देनी पड़ती है। तो इसमें आपका रिमूवल में प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और अब जो है मैं एम्ब्री पॉट से ब्लेंडिंग लाइन कर रही हूँ गाइज। तो जो हमने टिप अप्लाई करी है उसे हम ब्लेंड करेंगे एमरी बोर्ड की हेल्प से, जिसे कि हम कहते हैं नेचुरल में मर्ज करना। साइड्स को भी अच्छे से मर्ज कर देंगे नेचुरल में, और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है वो भी हम इसी स्टेप पे ही हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से क्रिएट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आज हमने करी है ओवल शेप, तो इस तरीके से हम सभी नेल्स की वन बाय वन करके शेप, ब्लेंडिंग लाइन एंड साइड नीट कर लेंगे। और अब जो है हम क्यूटिकल एरिया को और एक बार पुश करेंगे, बिकॉज हमने एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने हैं। तो मेक श्योर आपको जितना ज़्यादा नेचुरल बेड मिलता है उतना ही ज़्यादा वो अच्छा स्टे करता है। और अब मैं कर रही हूँ सभी के सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ अच्छे से। तो पूरे के पूरे टिप एरिया को इंक्लूडिंग नेचुरल नेल को हम अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। बिकॉज इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है, चाहे आप जेल करें चाहे आप एक्रेलिक करें, तो ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आज हम एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पूरी किट भी दिखाई है स्टार्टिंग में वो भी एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन की थी, तो इसलिए हम उसी के लिए ही अपने नेल जो है प्रिपेयर करेंगे। तो पूरे के पूरे नेल को हमने अच्छे से ब्लॉब ऑफ कर लिया, और अब ब्लॉब ऑफ करने के बाद हम नेचुरल नेल वाला जो एरिया है वहाँ पर हम डस्ट को अच्छे से क्लीन करके अप्लाई करेंगे हमारा लिक्विड डिहाइड्रेटर। तो इसके लिए गाइज आपका पीएच पेन वर्क यहाँ पर नहीं करेगा, लिक्विड डिहाइड्रेटर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि एक्रेलिक की हीट को भी मेंटेन करके चलता है और आपके नेचुरल नेल को भी ख़राब नहीं होने देता है। और ये हमारा सॉफ्ट मोनोमर है, और ये हमारा क्रिस्टल क्लियर एक्रेलिक पाउडर विद हमारा एक्रेलिक ब्रश के साथ हम इस तरीके से वन बाय वन करके सभी नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो गाइज मेक श्योर कि आप हमेशा जब एप्लीकेशन करने स्टार्ट करें तो क्यूटिकल एरिया से ही स्टार्ट करें, क्यूटिकल एरिया से फ्री एज एरिया की तरफ ही आए, ताकि आपका जो स्टेप्स हैं वो उल्टे ना चलें। अगर आपका प्रोडक्ट आप उल्टा एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपका प्रोडक्ट एक क्यूटिकल एरिया में चले जाता है, जिसकी वजह से बाद में वो नेल जो है स्टे नहीं करता है। तो मेक श्योर हम क्यूटिकल एरिया से फ्री एज एरिया की तरफ ही एप्लीकेशन करेंगे वन बाय वन करके सभी नेल्स के ऊपर इस तरीके से। एंड गाइज एक्रेलिक एक्सटेंशन की एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ये अपने आप ही ड्राई हो जाता है, एयर ड्राई होता है, इसे बार बार हमें जो है लैब में क्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम जो है इसे ड्राई होने के बाद बफिंग करेंगे, तो जितने भी डंट्स एंड बम्स क्रिएट हुए हैं हम बेसिकली पूरे डंट्स एंड बम्स नेचुरल नेल पे से नीट करेंगे, पूरे नेल का जो सरफेस है एकदम स्मूथ बना देंगे, मतलब कि नेचुरल नेल को एकदम सुंदर सा बना देंगे, ब्यूटीफुल, ताकि जो इसके लुक है इसके बाद जो डिज़ाइनिंग के लुक है वो एकदम नेचुरल दिखे, ऐसा ना लगे कि कहीं पर डंटी है या बम्स हैं, और यहाँ फिर ऐसा ना लगे कि कहीं वो अनइवन है। और शेप को भी हम एक बार यहाँ पे ज़रूर नीट कर लेंगे, साइड्स को भी नीट कर लेंगे और क्यूटिकल एरिया को भी। सो गाइज एमरी बोर्ड से सारे डंट्स, बम, साइड, क्यूटिकल एरिया एंड शेप नीट करने के बाद अब हम सभी नेल्स को करेंगे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से अच्छे से ब्लॉब ऑफ, ताकि अगर छोटे से छोटे भी स्क्रैचेस रह गए हैं तो वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और हमारे जो नेल का सरफेस है वो हमें एकदम स्मूथ मिल सके। तो इसके बाद जो है हमने पूरी डस्ट को क्लीन कर लिया है गाइस। एक्रेलिक में जो है अगर आप पेस्ट कोट लगाते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट को नेल काफ़ी ज़्यादा पतले चाहिए थे, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए थे, तो हमने काफ़ी पतले नेल्स बनाए हैं, और एक एक्स्ट्रा लेयरिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बेस कोट। तो बेस कोट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, हमारा कलर और हमारे जो क्यूटिकल एरिया की लॉकिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो पतला पतला करके बिल्कुल बेस कोट हम पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे, सभी नेल्स पे एक साथ, और इसे हम क्योर करवा देंगे। सो गाइस क्योर कराने के बाद जो है हम पूरे के पूरे नेल के ऊपर अपना ये जेल पॉलिश का कलर कोट लगाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलूसेंट कलर है, बट इसमें बहुत ही माइल्ड सा शिमर है और ये बहुत ही अच्छी लुक देता है अगर पूरे नेल के ऊपर जब हम इसमें वर्क करते हैं। तो बेस कोट को हमने तो क्योर करा ही दिया था, और इसके बाद जो है हम एवरी नेल पे बिल्कुल पतली पतली कोट करके हमारा ये जेल पॉलिश कलर एप्लीकेशन करेंगे, जितना पतला हो सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और इसे भी हम क्योर करवा देंगे।
तो फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद गाइज हमने रिंग फिंगर को जो है अकेला छोड़ा हुआ था, और यहाँ पर हम जो है सेम कलर से बटरफ्लाई के जो है पंख बनाएंगे दोनों साइड्स के। तो हम बेस रेडी करेंगे बिकॉज इसके ऊपर हमने और भी कोट्स देनी है, रोज़ गोल्ड ग्लिटर के कोट्स भी देनी है, नागे और भी वर्क करना है इसमें। तो इस तरीके से हम बिल्कुल पतला पतला शिमर करके इसके सिर्फ और सिर्फ हम पंख तैयार कर लेंगे। अभी इसे डिफाइन करना बाकी है, तो इसे भी हम ब्रश आर्ट की हेल्प से ही कम्प्लीट कर लेंगे और इसे भी क्योर करवा देंगे एक साथ ही बाकी नील्स के साथ। गाइस बटरफ्लाई की हमारी फर्स्ट कोट जो है और बाकी नेल्स की फर्स्ट कोट क्योर हो चुके हैं, और बाकी नेल्स के ऊपर अब हम जो है सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे सभी नेल्स पर एक साथ। और जो बटरफ्लाई है हमारी, हम उसके ऊपर भी हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से ही सेम इसी कलर का एक सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं हम कोट जो दे रहे हैं बिल्कुल पतली पतली करके दे रहे हैं, मेक श्योर कि बिल्कुल भी थिक जेल पॉलिश ना दे, नहीं तो आपका जेल पॉलिश जो है वो पैच बन के निकल सकता है। तो इसके ऊपर भी हम जो है अब इस तरीके से जैसे बाकी नेल पर हमने सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश दिया है, सेम बटरफ्लाई के एरिया पर भी हम सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश देंगे और सभी नेल्स को हम एक साथ जो है इसे क्योर करवा देंगे। तो गाइज हमारे कलर कोड जो है क्योर हो चुके हैं, और अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमें बटरफ्लाई के ऊपर रोज़ गोल्ड कलर भी देना है, तो रोज़ गोल्ड ग्लिटर देंगे हम ये बिल्कुल पतली पतली कोट करके। और ये थिक जो है बहुत ज़्यादा ही ग्लिटर थिक कलर है, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने पतली कोटिंग दी है, बट उसमें भी कवरेज काफ़ी अच्छी दे रहा है आप देख सकते हैं। तो दोनों फिंगर्स पर हम जो है बटरफ्लाई को थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे ताकि इनके साथ जो है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। इसे हम क्योर करवा देंगे, और क्योर करवाने के बाद गाइस मैं एक्रेलिक का ब्लैक पेंट फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से हम इस तरीके से जो है अपने इसके पर को जो है जो कि पंख होते हैं इन्हें हम डिफाइन करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। और इसे सेंट्रलाइज करेंगे लाइक इसका माउथ एंड हम इसकी मूछें भी बनाएंगे ताकि इसकी जो बटरफ्लाई की लुक है वो एकदम रियल लग सके। एंड फैब्रिक कलर को गाइस कुछ भी आपको एक्स्ट्रा क्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये एयर ड्राई होते हैं, तो कुछ देर में इसे ड्राई होने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सभी नेल्स के ऊपर यूवी टॉप कोट ताकि सभी नेल्स को हम जो है कंप्लीट कर सकें, सील कर सकें पूरे चारों तरफ से, क्यूटिकल एरिया से, साइड वॉल से एंड फ्री एज एरिया से। कैपिंग करना मत भूलना ताकि आपका जो नेल है वो प्रॉपरली कवरअप हो सके, लॉक हो सके, जिससे कि आपके जो नेल्स हैं वो एक महीने तक बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, चाहे आप जेल करें चाहे आप एक्रेलिक करें। तो बटरफ्लाई वाले नेल के ऊपर भी गाइज हम अभी ही यूवी टॉप कोट लगा के सभी नेल्स पर एक साथ इन्हें हम क्योर करवा देंगे। सो गाइज क्योर करवाने के बाद जो है हम सभी नेल्स को करेंगे एसीटोन फ्री की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से क्लीन ताकि हमारा जो क्यूटिकल एरिया ड्राई हुआ है तो उसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा बढ़ सके और प्रॉपरली हमारे जो कलर्स हैं और जो हमारी ब्रश आर्ट है वो प्रॉपरली ड्राई हुई है या नहीं हुई है वो हमें इस स्टेप पे पता लग जाए। तो आइए देखते हैं इसकी फुल एंड फाइनल लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपके पास सभी हमारी नोटिफिकेशंस आती रहें लाइव आने की और वीडियोस की। सो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।